गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 5.4। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट इन क्लास 6A, 10 स्कोर मोर देन 90 मार्क्स इन मैथमेटिक्स पेपर। क्लास 6A के अंदर 40 स्टूडेंट हैं, उनमें से 10 स्टूडेंट हैं उन्होंने 90 मार्क्स से ज़्यादा नंबर 90 मार्क्स से ज़्यादा नंबर स्कोर किए हैं मैथ्स के अंदर। इन 6B दे हैव 36 स्टूडेंट, 6B में हैं स्टूडेंट्स 36, उनमें से 6 स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं 90 मार्क्स से ज़्यादा उसी पेपर में। इन दिस सेक्शन में मोर स्टूडेंट गॉट ओवर 90 मार्क्स इन द मैथमेटिक्स पेपर। कौन से सेक्शन में स्टूडेंट ने 90 मार्क्स से ज़्यादा प्राप्त किए हैं मैथमेटिक्स के अंदर? तो देखिए, पहले 6A स्टूडेंट हैं कितने, 40, और स्कोर 10 स्टूडेंट ने स्कोर किया है मोर देन 90, यानी कि कितने स्टूडेंट ने, 10 ने। तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन गई, फ्रैक्शन बनानी है इसे आपको, तो ये हो गई 10/40। 10 से 10 कैंसिल, यानी हमारा काम 4। अब नेक्स्ट है 6B, इसमें स्टूडेंट ने कितने, इसमें स्टूडेंट बताना है 6B में 36, और इसमें से कितने स्टूडेंट ने स्कोर किया है, इसने किया है 6 स्टूडेंट ने। तो इसकी फ्रैक्शन बन गई 6/36। तो ये हो गया 6/36, 6/36। अब अपन देखें किसका ज़्यादा है, तो ये हो गया 6A, ये हो गया 6B, और कंपेयर कर दो, 6A का है 1/4 और 6B का है 1/6। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1/6, इसको इससे किया तो 1/4, यानी 6/6 एंड 4/4। तो ज़्यादा स्टूडेंट कौन से ने स्कोर किया है, 6A ने, तो क्या आ जाएगा 6A got 6A got more, 6A ने ज़्यादा स्कोर किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ईशा प्रीति शिंकी got a packet of biscuit each। ईशा नाम है, प्रीति नाम है एंड शिंकी नाम है, इन्होंने सबने बिस्किट का एक पैकेट लिया। देयर पैकेट कंटेन ए 12 और 15 बिस्किट, और उनके पैकेट में है 8, 12 और 15 बिस्किट्स है रिस्पेक्टिवली। ईशा हैड 4 बिस्किट फ्रॉम अ पैकेट, ईशा ने अपने पैकेट से लिए 4 बिस्किट, प्रीति ने 8 बिस्किट एंड शिंकी ने 10 बिस्किट। व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच ऐड? तो ईशा के पास में पैकेट है 8, और 8 में से ईशा ने लिए हैं कितने बिस्किट, ईच पैकेट करके कितने कितने बिस्किट हैं, 8, 12 और 15 बिस्किट देयर पैकेट, उनके पैकेट में। तो ईशा के पैकेट में है कितने, 8, और ईशा ने इसमें से 4 पैकेट कर लिए हैं, कितने बिस्किट खाए, 4, 8 बिस्किट है 4 खाए, तो इसका फ्रैक्शन क्या बन गया, 4/4 = 8। सेकेंड कौन है, प्रीति, प्रीति के पास में देखो बिस्किट कितने हैं, 12, और नीचे देखो बिस्किट कितने हैं, कितने खाए हैं, 8 बिस्किट खा लिए हैं, तो 4 + 8 + 4 = 12, 4 की टेबल से कट रहा है तो फ्रैक्शन हो गया 2/3। अब प्रीति के बाद में है शिंकी, शिंकी का जो है वो है कितने बिस्किट, तो इसके पास में 15 और उसमें से इसने 10 बिस्किट खाए, तो 5 × 10 = 15, यानी 2/3 बिस्किट जो है वो शिंकी ने खा लिए। तो ये हो गई आपकी तीनों की फ्रैक्शन। अब बोला हु ऐड द लेस्ट नंबर ऑफ बिस्किट, किसने सबसे कम बिस्किट खाए, तो हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम।
सिक्स, तो इसका एलसीएम आ गया सिक्स। अब टू से सिक्स को डिवाइड करो कितने का गया, टू अंडर टू, टू टू जो फोर, टू थ्री जो सिक्स, थ्री टाइम्स इंटू थ्री यानी थ्री मंजा थ्री, कॉमा थ्री से सिक्स को डिवाइड कर थ्री मंजा थ्री, थ्री टू जो सिक्स यानी टू टाइम्स, तो इंटू टू यानी टू टू जो फोर। अब थ्री से सिक्स को डिवाइड करो थ्री मंजा थ्री, थ्री टू जो सिक्स यानी टू टाइम, तो इंटू टू यानी टू टू जो फोर। ये हो गए हमारे फ्रैक्शन। अब आप देखो इसमें बोल रहा है कि किसने लीस्ट नंबर ऑफ बिस्किट खाए, तो सबसे कम बिस्किट खाए किसने, थ्री, और थ्री किसका है मतलब और टू किसका है, ईशा। तो क्या लिखेंगे, ईशा एट लीस्ट बिस्किट, ईशा ने सबसे कम बिस्किट खाए है। नेक्स्ट है अरेंज ए बी सी इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डी ई एफ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो क्वेश्चन नंबर 10